यह है दोस्तों Realme X, ये फ़ोन हमारे पास आ चुका है। और ये फ़ोन दोस्तों मैंने लिया है realme.com से, 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ, ब्लू कलर में। मुझे ब्लू कलर जो है दोस्तों ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो मैंने ब्लू कलर में ही इस फ़ोन को ऑर्डर किया है। आज मैं दोस्तों आपको एक अपना फर्स्ट इंप्रेशन देने जा रहा हूँ इस फ़ोन का, साथ में आपको अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे ये फ़ोन कैसा लगा और इसका कैमरा कैसा है, उसके बाद इसका डिस्प्ले कैसा है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर कैसे काम करता है और पॉपअप सेल्फी कैमरा जो है वो किस तरह काम करता है, उसकी क्वालिटी कैसी है, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। इसके अलावा भी दोस्तों हमारे पास जो है Vivo Z1 Pro और इसके साथ भी जल्द ही कंपैरिजन करने वाले हैं, तो आप जो है हमें बताइएगा कमेंट में कि आपको Vivo Z1 Pro के साथ कौन कौन सा वीडियो देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। यह है दोस्तों रिटेल यूनिट Realme X का। अगर आप ऊपर में देखें तो Realme X पॉपअप जनरेशन लिखा हुआ है और अगर हम पीछे देखते हैं बॉक्स का तो यहाँ पे कुछ डिटेल जो हैं इसके मेंशन किए गए हैं, सार वैल्यू वगैरह दिया हुआ है। और ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों मेड इन इंडिया है, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इस साइड में Realme X लिखा हुआ है, इस साइड में भी Realme X लिखा हुआ है। इधर जो है यहाँ पे भी प्राइस वगैरह दी गई है और इस साइड अगर हम देखें और इस साइड भी कुछ स्टिकर लगे हुए हैं। चलिए हम फटाफट इसके बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इंडियन रिटेल यूनिट में हमें क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। बॉक्स को कर लेते हैं फटाफट से ओपन और ये खुल गया हमारा बॉक्स। सबसे पहले दोस्तों ऊपर में आपको एक छोटा सा बॉक्स और मिलता है, यहाँ पे हे वेलकम टू Realme फैमिली लिखा हुआ है, Realme लिखा हुआ है। और इस बॉक्स के अंदर दोस्तों देखते हैं क्या खास है, तो यहाँ पे हमें एक सिम एजेक्टेड टूल मिलता है, इसको रखते हैं साइड में। उसके अलावा यहाँ पे कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी साइड में रखते हैं और यहाँ पे क्विक स्टार्ट गाइड है तो इसको भी रखते हैं साइड में। और यहाँ है एक केस जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है और पीछे इस केस का जो है एक प्लास्टिक चिपका हुआ है तो इसको भी हटा देते हैं। हमेशा Realme जो है अपने फ़ोन के साथ केस देता है और उसकी क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी रहती है। और ये है हमारा ब्रांड न्यू Realme X, जिसको हमने जो है ब्लू कलर में लिया है, 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। तो ये हमने कर दिया अनरैप इसको और ये है दोस्तों हमारा Realme X। वाओ क्या मस्त कलर है, इसको भी हटा देते हैं। मुझे ये फ़ोन जो दोस्तों पहले नज़र में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और मैंने जो है ब्लू कलर इसीलिए लिया था क्योंकि ब्लू कलर जो है मुझे वाइट से ज़्यादा अच्छा लग रहा था और मुझे लग रहा था कि वाइट अगर मैं यूज़ करूँगा तो उसमें थोड़ा बहुत जो है गंदा हो सकता है। तो चलिए फ़ोन को हम कर लेते हैं ऑन और देखते हैं कैसा है हमारा फ़ोन। तो ये हो रहा है हमारा फ़ोन ऑन और देख लेते हैं जब तक फ़ोन ऑन होता है बाकी बॉक्स के अंदर हमें क्या कुछ मिलता है। ये है दोस्तों वूक चार्जर, काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे दोस्तों आपको 5 वोल्ट 4 एम्पेयर की रेटिंग देखने को मिल जाती है, इसको भी रखते हैं साइड में। और यहाँ पे हमको मिल जाता है पहली बार, और यहाँ पे पहली बार दोस्तों Realme के किसी डिवाइस में हम लोग को USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है। जब तक दोस्तों हमारा फ़ोन सेटअप होता है हम क्विकली बात करते हैं इसके हाइलाइटिंग स्पेक के बारे में। तो यहाँ पे ये फ़ोन 6.53 इंच के एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है जो कि एक फुल HD प्लस डिस्प्ले है और Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। स्नैपड्रैगन 710 चिपसेट यहाँ पे मिलता है Adreno 616 GPU के साथ। और जो कैमरा है दोस्तों वो है 48+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा जिसमें मेन सेंसर है Sony IMX586 का और 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा आपको इसमें देखने को मिल जाता है। जो बैटरी है वो है 3765 mAh की और वूक चार्जिंग 3.0 का सपोर्ट मिलता है USB टाइप सी पोर्ट के साथ। साथ में फ़ोन में आपको कलर ओएस 6, एंड्रॉयड 9 पाई और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिल जाता है। तो फ़ोन हमने दोस्तों सेटअप कर लिया है, सबसे पहले हम लोग जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर चेक कर लेते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पे आपको मिल जाता है, तो देखिए टच किया मैंने और फ़ोन जो है खुल गया, टच किया और खुल गया। फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी फास्ट है। फेस अनलॉक भी आप ट्राई कर लेते हैं, तो देखिए फेस अनलॉक जो है वो भी काफ़ी फास्ट है और काफ़ी जल्दी से आपके फ़ोन को जो है अनलॉक कर लेता है। चलिए सबसे पहले हम लोग सेटिंग में जाते हैं और सेटिंग में जाके देख लेते हैं कि हमें इस फ़ोन में कितना स्टोरेज फ्री मिलता है। ये फ़ोन जो है दोस्तों हमारे पास 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ है,
तो देख सकते हैं अबाउट फोन में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिवाइस नेम तो रियलमी एक्स लिखा हुआ है, कलर ओएस 6 आपको यहाँ पे मिलता है, एंड्रॉयड 9 पाई आपको मिलता है, और यहाँ पे दोस्तों आपको स्नैपड्रैगन 710 का ओक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है, रैम 4 GB की मिलती है, और यहाँ पे 128 GB स्टोरेज में से लगभग आपको 105 GB फ्री देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं आपसे एंड्रॉयड सिक्योरिटी पेच लेवल की, तो यहाँ पे आपको 5 जून 2019 का देखने को मिल जाता है। चलिए, दिखने में दोस्तों ये फोन नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग फोन है अंडर 20,000, जहाँ पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो चलिए हम सबसे पहले जो है इसके ओवरव्यू की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6.5 इंच का एक बड़ा सा स्क्रीन आपको देखने को मिलता है, ये एक सुपर एमोलेड पैनल है दोस्तों। यहाँ पे आपको जो कलर वगैरह मिलेंगे डिस्प्ले में वो काफ़ी कमाल के मिलेंगे, और आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा जब भी आप ये फ़ोन यूज़ करेंगे। वहीं पे अगर मैं बात करूँ इसके बैक पैनल की, तो पीछे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ग्रिडियन बैक पैनल दिया गया है, और काफ़ी अच्छा जो है ये फ़ोन लग रहा है, मेरे पास ब्लू कलर में है। तो यहाँ पे पीछे की तरफ आपको डुअल कैमरा मिलता है, जिसमें जो पहला कैमरा है दोस्तों वहां पे आपको एक गोल्ड कलर का रिंग मिलता है, 48 मेगापिक्सल का सोनी आईएमएक्स 586 का सेंसर है, और सेकेंडरी सेंसर जो है दोस्तों वो है 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर, और साथ में दोस्तों आपको पीछे तरफ जो है फ्लैश देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे रियलमी का लोगो बनाया हुआ है। अगर मैं बात करूँ फोन के राइट साइड की, तो फोन के राइट साइड में दोस्तों आपको पावर बटन देखने को मिल जाता है, साथ में मिलता है आपको सिम ट्रे, जहां पे दोस्तों आप सिर्फ 2 नैनो सिम लगा सकते हैं। यहां पे माइक्रो एसडी कार्ड के लिए कोई भी स्लॉट नहीं दिया गया है, तो देख सकते हैं आप 2 नैनो सिम जो है आप इसमें लगा सकते हैं सिर्फ। वहीं पे अगर मैं बात करूँ फोन के ऊपर हिस्से की तरफ, तो ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है, और साथ में आपको जो है सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक भी देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड में दोस्तों आपको प्लस माइनस वॉल्यूम का की देखने को मिल जाता है। नीचे की बात करूँ तो 3.5 mm ऑडियो जैक, उसके बाद एक माइक, उसके बाद USB टाइप सी पोर्ट और स्पीकर आपको देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों, अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू तो हो चुका है इस फोन का। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों इस फोन के बैक पैनल की, तो यहाँ पे काफी ग्लोसी फिनिश के साथ आता है दोस्तों, और पीछे से दोस्तों ये फोन काफी कमाल का लगता है। लेकिन हाँ, अगर आप इस फोन को यूज करेंगे ना, तो इसके साथ जो बैक कवर आता है उसको अगर लगा के यूज करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर इसमें धूले वगैरह पड़ेंगे दोस्तों तो हो सकता है कि स्क्रेचेस आ जाए। और मैं अगर बात करूँ इस फोन के डिस्प्ले को लेकर, क्या बोलो, इसकी डिस्प्ले की जितनी भी तारीफ करूं कम है, क्योंकि यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है, और डिस्प्ले जो क्वालिटी है दोस्तों वो कमाल की है, व्यूइंग एंगल्स दोस्तों काफी अच्छा है, और यहाँ पे कोई भी नॉच आपको देखने को नहीं मिलता है, इसलिए आपको फुल स्क्रीन व्यू जो है देखने को मिल जाता है, जो कि आपके फोन को कमाल का लुक देता है। और अगर मैं आपसे बात करूँ आगे कैमराज के बारे में दोस्तों, तो इसका कैमरा भी मुझे काफी कमाल का लगा। ये कुछ फोटोज देख सकते हैं जो मैंने इसी फोन से खींचा है। तो यहाँ पे मैं चाहे बात करूँ रियर कैमरा की, चाहे मैं बात करूँ फ्रंट कैमरा की, चाहे मैं बात करूँ पोर्ट्रेट की, या फिर मैं बात करूँ नाइट शॉट्स की, सभी जगह में दोस्तों ये फोन मुझे काफी इंप्रेसिव लगा अभी तक। और अभी के लिए मैं इतना कह सकता हूं इसका कैमरा जो है काफी दमदार है, और ये कैमरा टक्कर दे सकता है बहुत सारे फोन को, K20 को भी टक्कर दे सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर मैं दोस्तों बात करूँ इसके साउंड क्वालिटी को लेके, तो इसकी साउंड क्वालिटी भी मुझे सही लगी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एयरफोन क्वालिटी की, तो मेरे पास एयरफोन था, MI का भी था, Realme का भी था, Oppo का भी था, तो मैंने सभी एयरफोन से ट्राई किया, काफ़ी अच्छा साउंड आउटपुट जो है आपको इस फोन में से देखने को मिल जाता है। बाकी फोन में दोस्तों आपको डुअल 4G वोल्टी का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, DC डिमिंग का फीचर दिया गया है, इसमें गेम जो है दोस्तों PUBG जो है आप HD में खेल सकते हैं, मैं जल्द ही इसका रिव्यू जो है लाने वाला हूँ। तो ये था दोस्तों हमारा फर्स्ट इंप्रेशन रियलमी एक्स को लेके, और दोस्तों सीरियसली मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था, इसका कैमरा मुझे काफी अच्छा लगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो भी काफी तेजी से वर्क कर रहा है, और डिस्प्ले क्वालिटी एकदम सुपर्ब है। इस प्राइस में दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट फोन में से है, जहां पे आपको इतने अच्छे अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं। अगर प्रोसेसर थोड़ा सा अपग्रेड होता, 712 भी अगर हमको दे देते तो काफी अच्छा हो सकता था, लेकिन स्टिल दोस्तों मैं कह सकता हूं 17,000 में ये वन ऑफ द बेस्ट डील्स है, तो आप जो है इस फोन को ट्राई कर सकते हैं। मुझे ये फोन फर्स्ट इंप्रेशन में काफी इंप्रेसिव लगा। तो बस ये था हमारा छोटा सा वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए।